शर्मा, अध्यक्ष सर्व धर्म सेवा समिति। आज का जो हमारा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मेन मोटिव है, ये हम देख रहे हैं कि पिछले काफी दिनों से हमारे जो कठुआ में रोडों पे जो आवारा पशु घूम रहे हैं, हम इसके बारे में कर रहे हैं। हमें लगता है कि कठुआ में एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन देखते हैं हम कि जानवरों की वजह से हादसे होते हैं, कभी आदमी जख्मी होते हैं और कभी जानवर जख्मी होते हैं, और कई बार ये गाड़ियों का नुकसान करते हैं। हम यही मांग करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि ये जो आवारा पशु यहाँ पे घूम रहे हैं, इनको तुरंत यहाँ से उठाकर इनकी कोई दूसरी जगह पे इनको शिफ्ट किया जाए, ताकि हमारे यहाँ लोगों को थोड़ी सी सुलभ मिल सके। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 3-4 महीनों से ये आवारा पशु ने इतने ज्यादा तादाद में हमारे आवारा पशु हमारे सड़कों पे है कि हमारे यहाँ लोगों का निकलना, गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। ईओ म्युनिसिपल कमेटी के ईओ से बात की और उन्होंने हमें कहा कि हमारे पास लैंड है लेकिन चारे के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि चारे का इंतजाम कौन करेगा? आपके पास डिपार्टमेंट है, आप एडमिनिस्ट्रेशन की एक पार्ट हो, तो आपने ये सब कुछ करना है। तो हम यही मांग करना चाहते हैं कि हम इनको चेतावनी देना चाहते हैं कि 7 दिनों के अंदर अंदर अगर ये जो आवारा पशु हैं, इनको अगर आपने यहाँ से उठा के कोई दूसरी जगह पे शिफ्ट नहीं किया, तो हम सर्व धर्म सेवा समिति इस पूरी कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। सेवा समिति सदस्य, जैसा कि आप सब जानते हैं कि काफ़ी दिनों से हमें कठुआ में परेशानी आ रही है आवारा पशुओं को संदर्भ में। आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हमने कल ही अपने ईओ साहब से फ़ोन पर बात करी, उनसे जाना कि आवारा पशु जो लोगों को जान माल का नुकसान कर रहे हैं, लोगों का आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसके संदर्भ में उनको हमने ये बताया कि इनको इनके लिए कोई लैंड आप रखें जहां इनको चारा वगैरह प्रोवाइड करें। तो हमारे ईओ साहब ने कहा हमारे पास गवर्नमेंट लैंड तो है लेकिन हमारे पास इसके लिए फंड्स नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग आम जनता से एक टैक्स वसूल करते हैं, उसका कोई कुछ हिस्सा अगर आप इनके चारे के लिए नहीं प्रोवाइड कर सकते तो फिर आपको एडमिनिस्ट्रेशन में रहने का कोई हक। मेरी साथ ही ये अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से, जहां आपको सर्व धर्म सेवा समिति के नौजवानों की ज़रूरत पड़ती है कामजा बनाने के लिए, इस मकसद को हमारी टीम आपका पूरा साथ देगी। और साथ ही आपको एक हफ्ते का हम समय देते हैं कि जल्द से जल्द इन पर एक्शन किया जाए, वरना हम आपके मुंसिफ कमेटी और एडमिनिस्ट्रेशन का घिराव करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी इनकी कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। जय हिंद जय भारत। तरफ सेवा समिति का अध्यक्ष, अब ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह ये आवारा पशु हमें परेशान कर रहे हैं, हम हिंदू हैं और हमारे हिंदू इसमें हमें गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, और ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि जब हम अपनी माँ को ऐसे खुलेआम कोई उसे उसकी ना कोई उसकी देखभाल कर रहा है ना कुछ कर रहा है, और उसके लिए सारा कुछ बना भी है, हर एक एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पर कोई उनको नहीं संभाल रहा। ये सब एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है और हम 7 दिन का समय उनको दे रहे हैं, और अगर 7 दिनों में कुछ नहीं हुआ तो हमारा पूरा हम पूरे एक चैलेंज के साथ कहते हैं कि हम उनका घेराव करेंगे और उनको कुछ ना कुछ करना है।